यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देश की कठिनतम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसे पास करने का सपना लाखों युवा देखते हैं, मगर सफलता बहुत कम लोगों को ही मिल पाती है। इस वर्ष भी मात्र 761 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाए हैं। इन्हीं 761 कैंडिडेट्स में से एक हैं केरल के तिरुवनंतपुरम की अस्वती एस। एक कंस्ट्रक्शन मजदूर की बेटी अस्वती एस ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2020 में देश भर में 481वीं रैंक हासिल की है। उनकी ये सफलता वाकई बेमिसाल है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अस्वती ने बताया कि सिविल सेवक बनना उनका सपना था और ये सपना वो पिछले 15 साल से देख रही थी। अस्वती ने 481वीं रैंक हासिल की है, जबकि उनका सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से ये परीक्षा देने की योजना बनाई है। बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में केरल ने फिर से सिविल सेवा गौरव हासिल किया है। शीर्ष 100 कैंडिडेट्स में केरल के 11 कैंडिडेट शामिल हैं। त्रिशूर के कोलाजी की मूल निवासी मीरा के ने छठी रैंक हासिल की है और केरल की टॉपर बनी है। मीरा ने अपने चौथे प्रयास में ये सफलता हासिल की। वहीं वडकारा कोझिकोड के मिथुन प्रेमराज ने 12वीं रैंक हासिल की है। राज्य के शीर्ष 11 उम्मीदवारों में 8 महिलाएं हैं, जबकि 10 और महिलाओं ने 100 से 300 के बीच की रैंक हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।